चलिए जी, तो आइए दोस्तों, आई बिलीव सार्थक आपको अब आवाज ठीक आ रही है, आरुषि आपको आवाज ठीक आ रही है, जिया आपको भी आवाज ठीक आ रही है। ठीक है दोस्तों, चलो चलो आवाज ही आवाज करते रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आइए जरा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं जरा। और 1 मिनट, 3 बच्चों को आवाज नहीं आ रही थी, अब उनका स्टेटस देख लिया जाए, अब सबको आ रही है भाई। चलो जी दोस्तों, कट का बहुत समझ आ रहा है, कट का बट समझ आ रहा है। अच्छा, कट रहा है बट समझ आ रहा है। सर आप अटक भी गए हो, आप अटक भी गए हो आरुषि, इसका मतलब है कि आपके एंड में कोई दिक्कत है, आप एक बार रिजॉइन कर लो बेटा, आप एक बार। अच्छा, अगर मैं कट रहा हूं तो आप एक बार रिजॉइन कर लो। अब आपको शायद पूरे अच्छे सुनाई दे गया होगा। सर आप अटक रहे हो। मैं अटक रहा हूँ क्या? मैं देखो, मैं हिल रहा हूँ अभी, मैं अटक रहा हूँ क्या? नो, मैं अटक भी नहीं रहा। नमन आप भी रिजॉइन कर लो। क्या क्या करना पड़ता है यार? अभी नहीं, वो आरुषि यार थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, वो आदत बना लो इसकी यार, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, बीच बीच में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना चलता है। आरुषि भाग गई। दोस्तों, अरे हाँ यार, आपको एक गुड न्यूज देनी है। गुड न्यूज ये है, आई मिसरेड योर टर्म वन एंड टर्म टू वाला सिलेबस। तो जो पिछले साल डिलीटेड था वो इस साल भी डिलीटेड है। ठीक है, तो खुश हो जाओ भाई, जो पिछले साल डिलीटेड था वो इस साल भी डिलीटेड है, खुश हो जाओ। सर मुझे थैंक्स बोलो। सर थैंक यू यार सार्थक। और उस बेसिस पे जब मैं जज कर रहा हूँ, अरे हाँ, अरे भाई सब यार सार्थक को थैंक यू बोलो, सार्थक ने मुझे मैसेज किया था। अब तो भैया, अब तो सार्थक, तो देख सार्थक को सब थैंक यू बोलो। अरे मैं बोल रहा हूँ सार्थक को सबके सब थैंक यू बोलो जरा यहाँ पे। मैंने बताया, मैंने बताया, मैंने बताया, वेलकम। हाँ सार्थक, अब सबका नाम लिखते हुए सबको वो कर, सबका नाम लिख और टाइप कर, थैंक्स ऑल लिखेगा ना तू, तेरे मैं छांटा मार दूंगा। अब तो भाई, अब तो यही कर तू, वेलकम प्रीमियर पार्टी। ओ भाई साहब, मैंने बताया, मैंने बताया, करे जा रहा है। बच्चा बच्चे नहीं होते बच्चे, मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। ठीक है, सार्थक ने मुझे बताया था, तो तब जाके मैंने उसको अच्छे से पढ़ा। और यस, मतलब उसमें था कि इस साल को डिलीट नहीं हुआ, बट जो सिलेबस आया था ना उसके अंदर पहले से डिलीटेड कंटेंट था पिछले साल वाला, तो दैट वे आई मिस रेड द पेपर। मतलब बिल्कुल जो लास्ट ईयर जो कटा हुआ था। और इससे एक चीज की एक अच्छी बात है, अक्टूबर 5 से लेकर 7-8 तारीख तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तसल्ली से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको मिड या फिर एंड अक्टूबर तक कह रहा था, वहां तक कोर्स मेरा खींचेगा ही नहीं फर्स्ट टर्म का। जल्दी से जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट टर्म की। उसके बाद विल स्टार्ट ऑफ विद आवर सेकंड टर्म, और रादर सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म या पूरा, अरे पागल आदमी, फर्स्ट टर्म का मेरा खत्म होगा, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस बोल रहा हूँ दोस्त, इंक्लूडिंग प्रैक्टिस बोल रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छे से खत्म हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग विल गो फॉर द सेकेंड टर्म। ठीक है दोस्तों, तो आइए बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करते हैं। और 10 मिनट हो गई है हंसी मजाक, अब आइए अब काम का, अब टाइम। सर क्या क्या कट कटा हुआ है पहले पिछले साल यार? हालांकि अभी तक जो भी मैंने करवाया वो सब कोर्स में है, कटा है कैपिटल एडजस्टमेंट्स कटे हैं, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ वगैरह में, मतलब रिटायरमेंट डेथ वगैरह में कटे हुए हैं, मतलब टर्म 2 का ज्यादा कटा हुआ है, टर्म 1 में से एडमिशन में सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट कटा हुआ है भाई, बस। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट आपका कटा हुआ है दोस्त। चलो ठीक है यार, अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से। आप सभी को आई बिलीव गेन डेबिट सैक्रिफाइस वगैरह का लॉजिक पता है। ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर मैं आप सभी को बोलूं कि एक मिनट रुक जाओ, मुझे कराना क्या है, मैं यही भूल गया। हाँ ठीक है, याद आ गया। ठीक है यार, ABC हमारे पास पार्टनर्स हैं, जरा ध्यान से समझिएगा दोस्तों, श्री गायब हो गया। ABC हमारे पास पार्टनर्स हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है 3:2:1 और इनकी न्यू रेशियो है 3:5:2। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, और इसकी गुडविल की वैल्यू दे रखी है 60,000 रुपीज। दोस्तों
आप इसे, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, यस और नो? यस ही आना चाहिए भाई आंसर, नो का ऑप्शन नहीं है मेरे पास। यस और नो दोस्तों, यस यस यस, सब बच्चे बहुत बढ़िया, ठीक है। आप गुडविल को एडजस्ट करेंगे या राइट ऑफ करेंगे? ए फॉर एडजस्ट, डब्ल्यू फॉर राइट ऑफ। आप गुडविल को एडजस्ट करेंगे कि राइट ऑफ करेंगे, बताओ भाई? एडजस्ट करोगे, राइट ऑफ करोगे? ए फॉर एडजस्ट करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको दिखाया था, एक हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होती है और एक हमारी राइट ऑफ एंट्री होती है, तो गुडविल को हम लोग एडजस्ट करते हैं और जनरल रिजर्व को, और अगर जनरल रिजर्व दे रखा है तो जनरल रिजर्व को हम लोग एडजस्ट करेंगे कि राइट ऑफ करेंगे? हम लोग जनरल रिजर्व को राइट ऑफ करते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा तो हम लोग राइट ऑफ करते हैं, इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला गया हो कि जनरल रिजर्व विल बी एडजस्टेड या फिर जनरल रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, अगर क्वेश्चन बोला गया जनरल रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो उस केस में आप जनरल रिजर्व को आई फॉर इग्नोर करेंगे या ए फॉर एडजस्ट करेंगे? उस केस में जनरल रिजर्व विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर ये बोल रखा है, या जनरल रिजर्व विल नॉट बी टच्ड, तो आप जनरल रिजर्व को इग्नोर करोगे कि एडजस्ट करोगे? जल्दी बताइए दोस्तों, लेट अस सी, इग्नोर करोगे कि एडजस्ट करोगे? अभी तक एक बच्चा एडजस्ट और एक बच्चा इग्नोर, ऐसे आई ए चल रहा है। अब ए वालों का जो रेट है वो ज्यादा हो चुका है, नमन और दिया अभी भी आई के तरफ हैं और बाकी सब जो है वो ए के तरफ आ गए हैं। अबे बताओ बे, और तो बताओ, एडजस्ट मेजॉरिटी बच्चे एडजस्ट कह रहे हैं, और दोस्तों लेट मी बी वेरी क्लियर, हम लोग इसको एडजस्ट करेंगे। खुद सोच के देखो ना यार, अगर किसी चीज को मुझे राइट ऑफ नहीं करना, लेकिन बेटा मुझे उसकी ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी ना, जल्दी बताओ नमन एंड दिया, यस और नो? मुझे उस कि कम से कम ट्रीटमेंट तो करनी पड़ेगी ना यार, तो अगर मुझे उसको राइट ऑफ नहीं करना तो मैं क्या करूंगा, उसे एडजस्ट करूंगा। मैं एग्जांपल देता हूं दोस्तों, और यहां पर मैंने आपको दो क्लास पहले मैंने आपको ये वाला गुडविल वाला जो कॉन्सेप्ट बताया था, ध्यान से समझिएगा यार, ये जो गुडविल, और ध्यान से समझना, बहुत मजेदार क्लास है, ध्यान से समझना। ये जो 30,000 रुपए का गुडविल था तो मैंने इसको एडजस्ट किया था, सभी बच्चे मानेंगे, लेकिन अगर ये गुडविल ना होता और अगर ये मेरा जनरल रिजर्व होता, कि अभी मेरे पास 30,000 का जनरल रिजर्व है, तो हम लोग जनरली जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, राइट ऑफ करते, ये तो हमें पता ही है, हमने इसको पुराने रेशियो में बांट दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है कि इसे आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, इसे आप टच नहीं करोगे, तो क्या जनरल रिजर्व को हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे या कम से कम उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे? दिस इज माय क्वेश्चन, एक बार और बता दो दोस्तों, एडजस्ट करोगे कि राइट ऑफ करोगे दोस्तों? एडजस्ट करोगे, इग्नोर करोगे? ऑब्वियस ही बात है, हम उसे एडजस्ट करेंगे, हम इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों, हम इग्नोर नहीं कर सकते, हम उसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक चीज और बता देता हूं, क्या जनरल रिजर्व मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है, यस और नो? क्या जनरल रिजर्व मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है, यस और नो? यस होता है, तो इसलिए हम लोग उसे राइट ऑफ कर सकते हैं। लेकिन क्या बेटा गुडविल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है क्या, यस और नो? क्या गुडविल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में होता है क्या, नहीं। तो क्या हम कभी भी उसे हम कभी भी राइट ऑफ कर सकते हैं? क्या उसे हम कभी भी राइट ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो इसलिए हमेशा मुझे गुडविल को क्या करना है, इसलिए मुझे हमेशा गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना है दोस्तों, मुझे हमेशा गुडविल को एडजस्ट। आई बिलीव दोस्तों ये आप कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अरे दीक्षा यार, राधे का कोई सीन है, मतलब कोई आइडिया है राधे का? बाहर है कहीं, जो बाहर है कहीं, ठीक है सर। कल आपको, अबे रुक जा बे, रुक जा सक्षम रुक, कल आपको क्वेश्चन भेजा था उसमें तो गुडविल वैल्यू, अरे रुक जा मेरे लाल, रुक जा
काहे भाग रहा है, हैं काहे भाग रहा है, बोल दिया मैंने, चैप्टर खत्म हो गया, रुक जा, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अगर 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 बाय डिफॉल्ट, ध्यान से सुनिएगा, अगर बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, गुडविल को क्या करोगे, ए या डब्ल्यू, एडजस्ट या राइट ऑफ। श्री एक बार सुन ले, समझ आ जाएगा। गुडविल क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। जनरल रिजर्व का क्या करोगे, जनरल रिजर्व का क्या करोगे, राइट ऑफ करोगे, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि जनरल रिजर्व को टच नहीं करना या जनरल रिजर्व को राइट ऑफ नहीं करना, तो जनरल रिजर्व को इग्नोर करोगे या एडजस्ट करोगे, एडजस्ट करोगे। सर यार पिछले 5 मिनट में ना आपने इतनी बार एडजस्ट 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 बोल दिया, दिमाग में घुस गया, बस यही घुसाना था मुझे आपके दिमाग में कि हम अगर कुछ ही दे रखा जनरल रिजर्व को हम लोग एडजस्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब एक बात समझिए, गुडविल दे रखा है 30,000, वो सॉरी 60,000, और जनरल रिजर्व दे रखा है 30,000 रुपए। गुडविल दे रखा है मुझे 60,000 और जनरल रिजर्व दे रखा है मुझे 30,000, और क्वेश्चन में बोल रखा है कि गुडविल को तो बेटा एडजस्ट करते ही हैं, जनरल रिजर्व को भी एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है एडजस्टमेंट एंट्री होती है गेन डेबिट टू सैक्रिफाइस, ये आप सभी को पता है, ठीक है। आप गुडविल की एंट्री और जनरल रिजर्व की एंट्री अलग अलग के लिए ए लिखना, अलग अलग करोगे या कंबाइंड करके एक साथ करोगे, अलग अलग करोगे या कंबाइंड करोगे, अलग के लिए ए, कंबाइंड के लिए सी, अलग अलग करोगे या कंबाइंड करोगे दोस्तों। कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज, अलग अलग और कंबाइंड, ओके। कितने बच्चे कह रहे हैं भाई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, क्वेश्चन जरा रिपीट कर दो। कितने बच्चे कह रहे हैं भाई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ, एक बार आरईपी लिख दीजिए, एक्सप्लेन रिपीट, कुछ भी, क्वेश्चन ही क्लियर नहीं हुआ सर, क्या बोल रहे हो। देखो जी, देखो भाई, देखो वैभव, और वो वाले बच्चे जो नहीं समझे हैं, गुडविल को तो मुझे एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है जनरल रिजर्व को भी मुझे एडजस्ट करना है, तो इन दोनों की, इसकी अलग से एंट्री, इसकी अलग से एंट्री, अलग अलग करेंगे या इन दोनों का जो टोटल है 90,000 उसी को कंबाइंड बेसिस में हम लोग कंसिडर कर लेंगे। दिस इज माई क्वेश्चन, अलग अलग और कंबाइंड, वॉट इज योर कॉल वैभव एंड शुभम, अलग अलग और कंबाइंड, अलग अलग, अलग अलग, सबके सब कह रहे हैं अलग अलग। आइए दोस्तों जरा अलग अलग करके देखते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है जो लास्ट क्लास या फिर 2 क्लास पहले भी मैंने आपको दिया था। आइए जरा रखता हूं आपके सामने, ए जो है जितना मुझे ध्यान आ रहा है बेटा शायद 6/30 का सैक्रिफाइस कर रहा है, बी जो है वो 5/30 का गेन कर रहा है, और सी जो है वो 1/30 का गेन कर रहा है। एनीवन प्लीज कंफर्म कर दीजिए, यस और नो, यही है ना, एनीवन, ओके फाइन, अनुकृति जी या सब कह रहे हैं यही है, तो यही होगा, ठीक है, यही कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं गुडविल की अलग से एंट्री कर रहा हूं, ध्यान से देखना, गुडविल का गेन डेबिट सैक्रिफाइस क्या होगा, गेन डेबिट सैक्रिफाइस बी सी टू ए, बी में कितना आ जाएगा 5/30 × 60,000, आप इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा मेरे पास 10,000, 2,000 और 12,000। और एंट्री नंबर टू की अगर मैं बात करूं आपके सामने, एक मिनट बच्चे, ओके और एंट्री नंबर टू की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो उसकी भी एंट्री होगी बी सी टू ए, और यहां पर आ जाएगा कितना 5/30 × 30,000, मतलब कि 5,000, 1,000, 6,000। आप लोगों ने कहा है कि भाई जी ये दो एंट्री कर ले, मैं आपसे एक बात कहता हूं सुनो, इसकी भी होनी है गेन सैक्रिफाइस, इसकी भी होनी है गेन सैक्रिफाइस, इसका टोटल आ रहा है 90,000, तो मैं क्या करता हूं, मैं अब एंट्री पास करता हूं बी सी टू ए 5/30 × 90,000, मतलब कि पहले वाला हो गया 15,000, अगला वाला हो गया 3,000, अगला वाला हो गया 18,000। दोस्तों ऊपर के दोनों एंट्रीज को अगर कंबाइन करेंगे तो क्या वो नीचे वाली एंट्री ही बनती है? अब आप क्या प्रेफर करोगे, अलग अलग करना या कंबाइन करना, अलग अलग और कंबाइन, आई बिलीव आप लोग लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स को आप लोग समझ रहे हैं दोस्तों, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है आगे बढ़ते हैं जरा। तो आई बिलीव, और आज क्लास के एंड में ना एक आपको मजेदार बात बताऊंगा, एक ना डाउट्स नंबर पे मुझे एक बच्चे ने एक सवाल पूछा, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एंड में। ओए होए भाई साहब, दिन बन जाएगा तुम्हारा आज का, इतनी मजेदार बात पूछी बच्चे ने मुझसे, ठीक है जी। लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट हम करेंगे दोस्तों, आई बिलीव आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कई बच्चे दोस्तों जो डाउट्स नंबर पे डाउट्स ही नहीं पूछते, ठीक है भाई ऐसा मत करो यार, पूछ लिया करो, अगर कुछ हो तो पूछ लिया करो, ठीक है आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैं आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ, ए बी हमारे पास पार्टनर्स है, ओल्ड रेशियो मुझे दे रखी है 3:2, न्यू रेशियो मुझे दे रखी है 1:1, ये तो मुझे दे ही रखा है, जनरल रिजर्व मुझे दे रखा है लेट अस से 20,000, और गुडविल मुझे दे रखा है लेट अस से 10,000। आपको इसकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट, जल्दी से गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट करें, एडजस्ट एंट्री जल्दी से करें दोस्तों। नेहा पांडे जी को कॉल करके बोल दो जरा कि एक मैसेज करना है 5 to 6 में, मैंने तो बहुत पहले भेजे 6 बजे भेजते। वेरी गुड सक्षम, बहुत आसान है बच्चों, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप पॉइंट, जल्दी करिए दोस्तों। ओके श्रेया, ओके कृषिका, ओके वैभव, ओके जिया, सॉरी सार्थक, दिया, नमन, अनुकृति, मोनिका, बहुत बढ़िया, ऋतु, प्रतीक्षा, ओके डन। युवराज जो, दीक्षा ने कर लिया, ठीक है युवराज जो, ओ मेरे युवराज जो, ओके डन डन डन, ठीक है जी, ठीक है जी, सीधा एंट्री। अबे यार 1 मिनट बच्चों, होता ना कुछ छोटा सा पाने के चक्कर में बड़ा सा लॉस हो जाता है, वो हुआ भी मेरे साथ। खैर एंट्री इज B2A 3,000, 3,000, ठीक है आरुषि, ठीक है एंट्री इज B2A 3,000, 3,000। बेटा आई एम वेरी श्योर आप सब के सब एकदम सही हैं, जितने बच्चे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं EXP लिख दीजिए, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेबल नहीं है, जितने बच्चे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं EXP लिख दीजिए दोस्तों, जितने बच्चे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं EXP लिख दीजिए, बाकी आप सभी का ये वाला पॉइंट एकदम सही होना चाहिए, बहुत बहुत आसान है। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं जरा, मतलब एज क्लीन एज दैट, इसका टोटल आ रहा है 30,000, अगर आप सॉल्व करेंगे 1/10, 1/10 का गेन और सैक्रिफाइस आएगा, गेन डेबिट सैक्रिफाइस, B2A 3,000, 3,000, ठीक है। अब मैं इसके बीच में एक और चीज में ऐड कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी 1 मिनट, एक और चीज ऐड कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन लॉस दे रखा है मुझे लेट अस से 5,000, मुझे 5,000 रुपए का रीवैल्यूएशन लॉस दे रखा है, एंट्री पास करिए, बाकी सब कुछ सेम है, रेशियो यही है, एंट्री पास करिए दोस्तों, और जल्दी से डन लिखो, एंट्री पास करो, डन लिखो। नहीं ये क्यों बोल रहा है, एक मिनट रुक जाओ, फिर से एक बार देखते हैं,
होना है यहां पे, बच्चों होना है यहां पे। अरे बदतमीज हो, अरे प्रतीक्षा यार ये हटा दे। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा तुम्हें नहीं आता, मुझे भी नहीं आता, मैंने आरुषि को एडमिट कर दिया। थैंक यू यार बेटा, मैं ही होस्ट हूं ना। थैंक यू आशी यार, तुमने आरुषि को एडमिट कर दिया। मैं ही हूं ना होस्ट अभी। हाँ मैं ही हूँ होस्ट, ठीक है ओके थैंक यू। चलो मेरा फ्लक्चुएट हो गया था इसलिए मैं गायब हो गया था। आई बिलीव जिया और वैभव आप दोनों चले गए थे। एनीवे कोई बात नहीं, एक मिनट। सबसे पहली बात इसका नाम क्या है, आरुषि आपका पहला वाला पॉइंट क्लियर है? पहला वाला ठीक था आपका? आरुषि बेटा आपका पहला वाला सही था? किया ही नहीं, कोई बात नहीं। समझ तो आ रहा है ना जो हो रहा है, समझ तो आ रहा है ना जो हो रहा है? यस ठीक है जिया, क्या रिपीट करूं कुछ भी, मैंने तो क्वेश्चन दिया था उसके बाद मेरा फ्लक्चुएट हो गया और फिर सब गायब हो गया था। क्या रिपीट करूं बेटा, सब कुछ रिपीट करूं जो पिछले 20 मिनट में? ठीक है इसमें क्या है, एक मिनट जिया, आपका ये जो बी टू ए 3000 3000 हो गया, यस। अगले वाले का है बी टू ए 2500 2500, अगले वाले का है बी टू ए 2500 2500, ठीक है। कितों का सही है एक बार मी लिख दो यार, कितने बच्चों का सही है एक बार मी लिख दो। आसान था बहुत बेटा जी, जो भी पॉजिटिव की चीजें हैं उसे मैंने प्लस कर दी और जो भी नेगेटिव की चीजें हैं उसे मैंने माइनस कर दिया। मेरे पास आ गया है 25000, 25000 का मुझे गेन डेबिट सेक्रीफाइस करना था। ये रही दूसरी वाली एंट्री, ठीक है जिया क्लियर है? आरुषि क्लियर है? बस आप दोनों को क्लियर है? यप। वैभव क्लियर है? बेटा क्वेश्चन में मैंने आपको साफ साफ बोला था कि इन सारी चीजों को मुझे एडजस्ट नहीं करना, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, इन सारी चीजों को मुझे एडजस्ट नहीं करना। तो मतलब जब यही कॉन्सेप्ट चल रहा है तो मैं इसी की तो प्रैक्टिस कराऊंगा ना आशी, ठीक है। आपका लॉजिक एकदम सही है, ठीक है, बट स्टिल प्रॉफिट्स को मुझे क्या सिखाना था आपको, प्रॉफिट्स को हम प्लस करेंगे और लॉसेस को हम माइनस करेंगे, मुझे सिर्फ ये कॉन्सेप्ट और ये लॉजिक आपको सिखाना था। आई बिलीव बेटा आप समझ गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक बात बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको जो क्वेश्चन करवाया था उसमें जनरल रिजर्व को एडजस्ट कर रहे थे कि राइट ऑफ कर रहे थे? एवरीबॉडी प्लीज, उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे थे कि राइट ऑफ कर रहे थे? राइट ऑफ कर रहे थे, पक्का श्योर? ठीक है एक मिनट जरा मैं आपको पिछला क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा। और सबसे पहली बात अनाप शनाप चीजें मैं रब ऑफ करना चाहूंगा एक। अरे भाई एक मिनट बेटा, ओके अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मजेदार सा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट क्लास में किया था और अब मैं आपको इसके नीचे वाले पार्ट बताना चाहूंगा, एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एवरीबॉडी प्लीज ध्यान से देखिएगा। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, ठीक है। अब क्वेश्चन तीन तरीके से आ सकते हैं, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, वो सब बात की बात है। जर्नल एंट्री क्या आप लोग रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं? यस नो में जवाब दे दो। क्या आप लोग रीवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं? यस। क्या आप लोग गुडविल की गेन डेबिट सैक्रिफाइस की जर्नल एंट्री कर सकते हैं? गुडविल के गेन डेबिट सैक्रिफाइस की, यस। और क्या आप लोग जनरल रिजर्व के डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नल एंट्री कर सकते हैं? यस। तो ये रहा, आपको जर्नल एंट्री पास करनी है और आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। दूसरा क्वेश्चन है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट। क्या ये वाला पार्ट हमने लास्ट क्लास में करा था, बी वाला पार्ट? यस और नो? मेजोरिटी सबके जवाब यस ही होंगे दोस्तों, यस और नो? यस। और दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, गुडविल विल नॉट अपियर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका आंसर मैं आपको दे चुका हूं। क्या गुडविल अकाउंट्स में होती है? जल्दी बताओ, क्या गुडविल अकाउंट्स में होती है? नहीं होती।
तो क्या उसको राइट ऑफ कर सकता हूं? तो क्या मैं उसको राइट ऑफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उसको हमेशा हम क्या कह करेंगे, तो उसको हमेशा हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, वही बोल रहा है गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उससे बोल के यार ये तो हमें पहले से ही पता है ना भाई, ये तो हमें भाई पहले से ही पता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा तीसरा वाला सबसे मस्त पॉइंट है, ध्यान से समझना जरा। पार्टनर्स डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व एंड नॉट टू शो द ऑल्टर्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट, हाउएवर दे वांट टू शो द इफेक्ट बाय पासिंग अ सिंगल जर्नल एंट्री। दोस्तों क्या इस लाइन का ये मतलब है कि मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, यस और नो? क्या इस लाइन का ये मतलब है मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, यस और नो दोस्तों? ठीक है, अब अगर ये वाला क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, 90% मुझे क्वेश्चन याद है, मैंने आपको होमवर्क में करने को भी कहा था और आपको याद भी होना चाहिए दोस्तों क्वेश्चन के कुछ फिगर्स। आइए क्वेश्चन नंबर 16 का केस नंबर सी अगर देखते हैं। पहला पॉइंट मेरे पास आता है रेशियोस का, मेरे पास थे DRS, ओल्ड रेशियो दे रखे है 3:3:2, न्यू रेशियो दे रखे 1:1:1। आपकी भरपूर मदद चाहिए होगी दोस्तों मुझे। डी का आ रहा है 1/24 का सेक्रीफाइस, आर का आ रहा है 1/24 का सेक्रीफाइस, और एस का आ रहा है 2/24 का गेन। आई बिलीव इसमें कोई दिक्कत नहीं है, DRS में कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर 1 खत्म है। पॉइंट नंबर 2, अगर मैं गुडविल की वैल्यूएशन की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था 52,500 के मेरे गुडविल की वैल्यू है। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन हुआ था एंड आई एम वेरी श्योर दोस्तों इस डिस्कशन को मैं दोबारा एंटरटेन नहीं कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, लास्ट क्लास में मैंने अकाउंट बनाया था, ठीक है, इस क्लास में क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि नॉट टू शो द ऑल्टर्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। मुझे बैलेंस शीट में ऑल्टर्ड वैल्यू शो नहीं करनी, मतलब न्यू वैल्यू शो नहीं करनी। तो एक बात बताइए, इस बार मैं एक अकाउंट बनाऊंगा या एक स्टेटमेंट बनाऊंगा? अकाउंट के लिए ए लिख दो, स्टेटमेंट के लिए एस लिख दो। इस बार मैं एक अकाउंट बनाऊंगा या एक स्टेटमेंट बनाऊंगा? फ्लो के साथ चलते रहिए दोस्तों, अकाउंट और स्टेटमेंट। ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट, अकाउंट नहीं बनेगा। क्योंकि सुनो, अकाउंट कब बनता है? जब मुझे वैल्यूज को चेंज करनी है, समझ रहे हो मेरी बात? जब मुझे वैल्यूज को चेंज करनी है तब अकाउंट बनेगा। अकाउंट बनाने के लिए जर्नल एंट्रीज होनी है। जर्नल एंट्री हो गई, इसका मतलब है कि मैं अकाउंट्स में मैंने वैल्यूज को चेंज कर दी है, लेकिन मुझे असल में चेंज नहीं करना, मुझे सिर्फ इफेक्ट दिखाना है। तो अब मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। स्टेटमेंट शोइंग शोइंग है ये, शोइंग कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑब्लिक लॉसेस। ठीक है दोस्तों, आइए अब जरा समझते हैं। तीन पॉइंट्स थे, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट्स 51,000, ये एक पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? इंक्रीज, तीन थे, प्रोविजन वगैरह भी था। पहली बात ये, इंक्रीज इन फिक्स्ड एसेट 51,000, ये एक पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज है? प्लस और माइनस? प्लस और माइनस दोस्तों, पॉजिटिव चीज है, इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है जी, अगला, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्लस और माइनस? इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर लॉस, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्लस और माइनस? माइनस 3,000। ग्रुप में आ जाओ दोस्तों, बहुत बच्चों वाली चीज चल रही है। उसके बाद एक था डिक्रीज इन स्टॉक, 8,000 से स्टॉक की वैल्यू घट रही थी, क्या करेंगे इसे? प्लस और माइनस? ये भी माइनस हो जाएगा, इनको अपने माइनस कर दिया। ये मेरे पास आ गया है 40,000 रुपीज का, और दिस इज व्हाट, दिस इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। आई बिलीव दोस्तों रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया है। तो मेरे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया बिना अकाउंट बनाए, ठीक है? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ गया बिना अकाउंट बताए। जिया आपने बेटा 8,000 का डेबिट लिखा है, बिल्कुल सही है, लेकिन प्लस या माइनस वाला लॉजिक क्लियर है? प्लस या माइनस वाला लॉजिक क्लियर? यस। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। चौथे नंबर पे मैं करता हूं दोस्तों जर्नल एंट्री। क्या अब इस बार जर्नल एंट्री में क्या कोई राइट ऑफ की एंट्री होनी है?
यस और नो, क्या इस बार जर्नल एंट्रीज में कोई राइट ऑफ की एंट्री होनी है, यस और नो? नमन जैन इंस्टेंटली नो, बाकी सब बच्चे वेटिंग फॉर ए रिप्लाई दोस्तों, यस और नो? नहीं होगी, बहुत बढ़िया, नहीं होगी। एक होनी है एडजस्टमेंट एंट्री, गेन डेबिट सैक्रिफाइस, ये रहा गेन कर रहा है एस डी आर, एस टू डी टू आर, एस में आएगा 2/24 इंटू समथिंग, 1/24 इंटू समथिंग, 1/24 इंटू समथिंग। अब दोस्तों ये समथिंग क्या है, आइए जरा समझते हैं। यार एक बात बताओ, हमारे पास गुडविल है, जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, इन तीनों की एक कंसोलिडेटेड अमाउंट कैलकुलेट करूं या इन तीनों की अलग अलग एंट्रीज पास करूं? कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड सी लिख दो, अलग अलग के लिए ए लिख दो, कंसोलिडेटेड कंबाइंड या अलग अलग? बताओ 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 बताओ, बहुत बढ़िया, कंबाइंड, ठीक है। आरुषि सब समझ आ रहा है बेटा, मतलब आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है, सब कुछ ठीक चल रहा है? यस श्री, तेरा भी सब कुछ, तेरा थोड़ा सा फ्लक्चुएशन था, अब ठीक हो गया श्री? यस ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। तो एक, अब यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट, यहां पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहां वाले क्वेश्चन में कहां गया ये रहा, जैसे यहां वाले क्वेश्चन में ये 25,000 कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट था ना, इस अमाउंट के बेसिस पे मैंने कैलकुलेट किया था, बिल्कुल वैसे ही अब नीचे वाले क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट करना है। अब कैसे करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा जरा। सबसे पहली बात, मेरे पास गुडविल है 52,500 का, जनरल रिजर्व एक पॉजिटिव चीज है 80,000, और क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 40,000 का, मैं इसे प्लस करूंगा, दैट इज 1,72,500 का टोटल अमाउंट आ गया, 1,72,500, 1,72,500। आपको फिलहाल ये कहानी सी लग रही होगी, जब क्वेश्चन को खुद करोगे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या खेल है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 14,375, एक बार प्लीज कोई बच्चा कंफर्म कर दीजिए, 14,375, 7,187, 7,188, एक बार प्लीज एस वाला कोई बच्चा कंफर्म कर दीजिए कि यही है, 14,375, 7,187, 7,188, कोई कंफर्म कर दो यार। यप ठीक है बेटा, ठीक है, यस यस गुड, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। यार फोर्थ एंट्री, तो फोर्थ तक मैं पहुंच गया हूं, आप देख सकते हैं दोस्तों 6:31 में क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया था, 6:37 में क्वेश्चन करना स्टार्ट किया था, 6:41 तक मैं यहां तक पहुंच गया हूं। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि वी आर मूविंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और मैं जानबूझकर फास्ट पेस पे चल रहा हूं क्योंकि आई वॉन्ट टू मेक यू फास्ट नाउ। अब वो बच्चों वाला हिसाब खत्म हो गया कि जब मैं हर एक स्टेप में रुक रहा हूं, बताओ कोई दिक्कत है, बताओ कोई दिक्कत है, अब तो आपकी और मेरी केमिस्ट्री बन चुकी है और मैं भाग रहा हूं और आपको मेरे साथ भागना पड़ेगा बेटा, और एमसीक्यूज में तो वैसे ही आपको भागना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 5 होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी आएगा, येस और नो? Yes or no? इस बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी आएगा, येस और नो? बस 5 बच्चे येस बोलेंगे, yes, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, बैलेंस बीडी 1,80,070,000। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, अब है मजेदार पार्ट। यार एक बात बताओ क्वेश्चन में, यार एक बात बताओ क्वेश्चन में, मेरे पास जनरल रिजर्व है, क्या पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, यस और नो दोस्तों? जनरल रिजर्व क्या पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, यस और नो? जो आपको ठीक लग रहा है वो जवाब दीजिए दोस्तों, क्या जनरल रिजर्व पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, यस और नो? शुभम एंड जिया ने यस बोला है और मेजॉरिटी बाकी बच्चे नो ही कह रहे हैं, यस कैपिटल इंक्रीज होगी, सार्थक भी यस कह रहे हैं, मतलब ओके। एवरीवन हैजंट रिप्लाइड येट, ओनली व्हाट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 or 10 students have replied out of 24, that is not good enough दोस्तों। दीपांश रेज योर रिप्लाई, अनलेस यू रिप्लाई दोस्तों काम नहीं बनेगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है दोस्तों? इतना बता दूं, नहीं जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सुनो, अब इसके दो रीजंस मैं आपको बताता हूं,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दे डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, पहली बात। दूसरी बात, अरे भाई अभी अभी हमने क्या जनरल रिजर्व की क्या हमने एडजस्टमेंट कर ली, जल्दी बताओ यार, जो बच्चा यस कह रहा है वो जवाब दो, क्या हमने जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट कर ली, यस और नो? यस। अबे अगर जनरल रिजर्व की एडजस्टमेंट कर ली तो क्या उसे राइट ऑफ भी करोगे क्या? मतलब एडजस्ट भी कर लो, राइट ऑफ भी कर लो, जो करना कर लो, मजे अपनी जिंदगी में जियो। अबे क्या क्या बोल रहे हो बेटा, ठीक है, या तो एडजस्ट करो या तो राइट ऑफ करो। हमने एडजस्ट कर लिया तो हम राइट ऑफ नहीं करेंगे। इस चीज को समझ लो, पकड़ लो, जकड़ लो बहुत अच्छे से दोस्तों। अच्छी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, मजेदार चीज है। आइए दोस्तों जरा आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं जरा, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे पास रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है 40,000 का, क्या वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यस और नो? दोस्तों Can I have some answers, please? Repeat, बेटा क्या revaluation profits partners capital में जाएगा? सार्थक, yes or no? आशी ने yes बोला है, बाकियों ने no बोला और कई बच्चों ने reply नहीं किया, ठीक है? नहीं जाएगा क्योंकि question में अब दो explanation है, question में साफ साफ दे रखा है altered values not to be shown in the balance sheet. Balance sheet में altered values को show नहीं करना हमें, इसका मतलब है कि balance sheet में हमें altered values लानी ही नहीं है। इसका मतलब क्या भाई कि हमें सिर्फ, और वैसे भी मैंने उसको एडजस्ट कर तो दिया, एडजस्ट कर दिया तो मैं इसे पार्टनर्स में क्यों बांटूंगा? इज इट क्लियर दोस्तों? ठीक है आगे बढ़ते हैं, आई बिलीव दिस इज क्लियर, ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर, ठीक है। लास्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए, ये जो गेन डेबिट सैक्रिफाइस की एंट्री है क्या इसकी पोस्टिंग होगी, यस और नो? गेन डेबिट सैक्रिफाइस की एंट्री पोस्टिंग होगी, यस और नो? अबे वैभव अगर कोई जर्नल एंट्री है उसकी लेजर पोस्टिंग नहीं होगी क्या? ठीक है, यस दोस्तों, एस डेबिट हो रहा है 7187 और 7188 से, डी और आर के कारण, और आर क्रेडिट हो रहा है 7187, हाँ सही तो कह रहा हूँ, 7188 से एस के कारण, ठीक है। ये वाली लेजर पोस्टिंग लास्ट क्लास में बताई थी, आपको क्वेश्चन बोला था करना है और आई बिलीव आपने कर लिया है। दैट्स इट दोस्तों, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, आपको बस क्वेश्चंस को क्लोज करना है। 107, 187, 188, 70,000, 107, 187, 187, 188 and 70,000, हमारे पास बचता है बैलेंस सीडी 107, 187, 187, 188, 55,625, दोस्तों अब बस लास्ट स्टेप बचा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल भी खत्म हो गया, लास्ट स्टेप बचा हुआ है पॉइंट नंबर 6 एंड दैट इज बैलेंस शीट, जो फिर से बहुत ही लड्डू लॉलीपॉप सा पॉइंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पॉइंट नंबर 6, क्रेडिटर्स 150,000 तो हमको पता ही है, चल ठीक है डाल देते हैं दोस्तों। मेरा अगला सवाल, क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो दोस्तों? जल्दी बताओ क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? ठीक है ओके, काफी बच्चों ने मना कर दिया। सक्षम माइक खोल बेटा, सक्षम सक्षम सर, दिन खराब माइक वाला डिवाइस है। अच्छा अच्छा ठीक है, रिपीट कर दू, आवाज नहीं आ रही तेरे को तो, सार्थक आवाज ही नहीं आ रही आज, ठीक है कोई बात नहीं। और वैभव माइक खोल बेटा एक बार, कोई बात नहीं सक्षम, वैभव माइक खोल दे भाई एक बार,
मैं नए नए बच्चों से बात करना चाहता हूँ यार। मेरा सवाल है जनरल रिजर्व। फाइन, लड़कों में तो यार नमन तू ही खोल दे माइक भाई। अरे कोई तो बात कर यस लो। सर। हाय नमन, तू ही भाई है यार। ये तो वैभव, वैभव तो ऐसे ही है सब। अच्छा अब सुन नमन, एक बात बताओ, क्या जनरल, आप और आपकी और मेरे बीच में एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन हो रही है, बस आपको जवाब देना है बस, ठीक है? क्या जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? नहीं हाँ सर। नहीं आएगा। क्या जनरल रिजर्व को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? यस सर। आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करा है कि एडजस्ट करा है? एडजस्ट किया सर। एडजस्ट अभी तो आपने बोला डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब आप कह रहे हो एडजस्ट कर दिया। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? किया। हाँ, आपने जनरल रिजर्व को क्या करा है, डिस्ट्रीब्यूट करा है, एडजस्ट करा है? एडजस्ट अगर आपने एडजस्ट कर दिया तो क्या आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट किया है? नो क्लियरली बोलो। सर। और अगर आपने जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा तो क्या मेरे नए बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व आएगा, यस और नो? थैंक यस सर। यू नमन। इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस और नो? अनुकृति, आई कम टू यू बेटा, एक मिनट, ठीक है? इज इट क्लियर एवरीबॉडी, यस और? अबे यस नो तो मैं तो बोल दो, इज इट क्लियर, यस और नो हो? यस सर एंड सॉरी। अरे कोई नहीं वैभव, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? अच्छा आ, 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 एक बार दोबारा बता दीजिए। अरे यार मेरी और उसकी इतनी अच्छी बात हुई अभी। एक मिनट अभी बताता हूँ आशी, एक मिनट रुक जाओ। अनुकृति, जनरल रिजर्व क्या नए बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? आप डिस्कनेक्ट हो गए थे इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, क्या जनरल रिजर्व नए बैलेंस शीट में आएगा, यस और नो? आपको क्या लग रहा है, जो आपके दिल में है वो बोलो, क्या जनरल रिजर्व नए बैलेंस नहीं आएगा? अनुकृति एक बार जरा माइक ऑन करो बेटा, अगर कर सकते हो आप तो। यस सर। आशी एक बार ध्यान से सुन लेना, ठीक है? यार अनुकृति एक बात बताइए, आपने जनरल रिजर्व को एडजस्ट करा है कि राइट ऑफ करा है? सर एडजस्ट करें? अगर आपने उसे एडजस्ट करा है तो क्या आपने उसे राइट ऑफ करा है? नो सर। और अगर आपने उसे राइट ऑफ नहीं करा तो क्या वो अभी भी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो क्या जनरल रिजर्व मेरे अकाउंट्स में आएगा, यस और यस नो? सर। ठीक है बेटा। आशी आई बिलीव आपको इस कन्वर्सेशन के बाद चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो गई होंगी। दोस्तों बात करोगे तभी काम बनेगा, इस बात को समझिए, ठीक है? एनीवे, तो जनरल रिजर्व 80,000 ये लीजिए, जनरल रिजर्व 80,000। पार्टनर्स लोन है मेरे पास, वो भी नॉर्मली आएगा, डी और आर का दे रखा है, 40,000 रुपए और 30,000 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल की बात करी जाए तो डी आर एस की अगर मैं बात करूं, जल्दी बताइए दोस्तों, बीडी आएगा कि सीडी आएगा? बीडी आएगा कि सीडी आएगा मेरे भाई? 1,07,000, 187, 87,188 एंड 55,625। आई बिलीव इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद बैंक बीआर 40,50, इसमें तो कुछ एडजस्टमेंट वैसे भी नहीं थी। बैंक बीआर 40,000 रुपए, लिख क्यों नहीं रहा ये, एक मिनट बेटा, 40,000 रुपए और 50,000 रुपए। अगला है डेटर्स, इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। यहां पर आपको दे रखा, कहां गया ये रहा, आपको यहां पर दे रखा है डेटर्स 60,000, और आपको पता होना चाहिए प्रोविजन भी था 3,000 का। नए बैलेंस शीट में डेटर्स कितने का आएगा, 60 का आएगा या 57 का आएगा? कैन आई हैव सम आंसर्स प्लीज, 60 और 57 दोस्तों? सार्थक तेरा रिप्लाई नहीं आ रहा बेटा। सार्थक, सार्थक माइक ऑन कर बेटा। सार्थक माइक ऑन कर बेटा।
कहाँ कहाँ बैठा हुआ है तू? ट्रेन में बैठा है क्या किसी? अच्छा कोई बात नहीं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। सुनो सुनो मेरी बात सुनो ध्यान से, एवरीबॉडी मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में दे रखा है नॉट, अबे अबे क्वेश्चन दे रखा है नॉट टू शो द ऑल्टर्ड वैल्यूज इन द बैलेंस शीट। मुझे बैलेंस शीट में ऑल्टर्ड वैल्यूज शो करनी है कि नहीं करनी? करनी के लिए के लिख दो, नहीं के लिए एन लिख दो। ऑल्टर्ड वैल्यूज शो करनी है कि नहीं करनी? नहीं करनी। तो डेटर्स कितने का आएगा, 60 और 57? ठीक है, पहली बात, पहली बात। अब एक दूसरी बात सुनिए, क्या मैंने कोई जर्नल एंट्री करी है? मतलब एडजस्टमेंट एंट्री को छोड़ के क्या मैंने रिवैल्यूएशन के लिए कोई जर्नल एंट्री करी है? क्या मैंने रिवैल्यूएशन के लिए नहीं करी? जर्नल एंट्री अगर नहीं हुई तो क्या डेटर्स वगैरह की वैल्यू चेंज होगी, यस और नो? दोस्तों आई बिलीव आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों डेटर्स 6000, स्टॉक कितना आएगा, 120 या 112? वो बैलेंस शीट में 120 थी और नीचे 112 है, कितना आएगा, 120 या 112? फिक्स एसेट्स 280 या 331? 280 के 331, दैट्स इट दोस्तों, दैट्स इट। बैलेंस शीट कर लेना, बैलेंस शीट आपके बराबर आएगी। क्वेश्चंस दोनों करना, मतलब पुरानी बैलेंस शीट एज इट इज उतर जाएगी, बस एक चीज चेंज होगी, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल। उसके अलावा सारी बैलेंस शीट दोबारा एज इट इज उतर जाएगी। अगली क्लास में जरा बता देता हूं आपके जाने से पहले, आप लोगों ने अपने स्कूल में सुना होगा बड़ा हवा से टॉपिक होता है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब डिस्कशंस हुआ करती हैं स्कूल में। अगली पूरी क्लास में इन डिस्कशंस को, इन तीनों पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे और बुकिश क्वेश्चंस में इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। दोस्तों आई बिलीव आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्वेश्चन आपको करके देखना पड़ेगा तभी आप लोग इन चीजों को समझ पाएंगे। एक बच्चे का, अरे हाँ यार, एक बच्चे ने पता है मुझसे क्या, मैं देखो मैं बच्चे का नाम रिवील नहीं कर रहा, लेकिन बच्चे की मैं आपको एक वो बताता हूँ, एक पॉइंट बताता हूँ। आपको पता है बेटा पीएनएल में अगर यहाँ पर 100 रुपए हैं, यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है लेट से ए बी सी का 10,000, 20,000 और 30,000, कुल मिला के आ गया 60,000। ठीक है, तो और कमीशन वगैरह कैलकुलेट करना था तो आफ्टर चार्जिंग दे रखा था। सर ने उसे एक सोल्यूशन सेंड करा कि बेटा 100 में से माइनस करेंगे हम 10, मतलब ऐसे लिखा था मैंने 100 -10 -20 -30, ठीक है, इंटू आर अपॉन 100+R। ठीक है, बच्चे ने, स्टूडेंट ने सोल्यूशन करा था R अपॉन 100+R, तो ठीक है उसने करा था 100 -60। ठीक है, उसने यहां पर ना कैलकुलेशन मिस्टेक कर रखी, और वो पता है मुझे बच्चा क्या बोल रहा कि सर मैं गलती समझ गया। मैंने कहा बता क्या गलती है, कह रहा कि वैसे कह रही थी, कह रही कि सर ये जो है ना आपने अलग अलग करा हुआ है इसलिए आपका आंसर आ गया, मैंने 60 एक साथ लिखा है इसलिए मेरा आंसर नहीं आया। माइक ड्रॉप। बच्चों को समझ ही नहीं आया शायद मैंने क्या बोला, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या सार्थक कह रहा हूं, लॉजिक लेफ्ट द मीटिंग। ठीक है, बस यही वाली बात थी दोस्तों। तो जिंदगी में कुछ सीखने को मिला मुझे नया कि ठीक है, एनीवे अगली क्लास में ये सारी चीजें हम लोग करेंगे दोस्तों। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय, टेक केयर, सी यू, बाय दोस्तों।